वेलकम टू टाइम ऑफिस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम ऑफिस Z305CB के बारे में। डिवाइस के स्पेसिफिकेशंस क्या है, डिवाइस को अनबॉक्सिंग करेंगे, डिवाइस को वॉल माउंटिंग कैसे करना है, डिवाइस में एनरोलमेंट कैसे करना है वो देखेंगे, डिवाइस को इंटरनेट कैसे प्रोवाइड करना है और डिवाइस को टाइम ऑफिस पोर्टल के साथ कन्फिगर कैसे करना है। नाउ डिवाइस को अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इसमें आपको डिवाइस, वारंटी कार्ड, यूजर मैनुअल, लैन केबल, पावर एडेप्टर और माउंटिंग करने के लिए एसेसरीज मिल जाती है। नाउ डिवाइस को वॉल माउंटिंग कैसे करना है। डिवाइस को वॉल माउंट करने के लिए ये जो स्क्रू है वो पहले निकाल देना है। स्क्रू को निकालते ही आपकी माउंटिंग प्लेट रिमूव हो जाएगी। आपको जहां डिवाइस को माउंट करना है वहां पे ये वॉल माउंटिंग प्लेट रख के मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद ड्रिलिंग टूल की मदद से यहाँ पे ड्रिलिंग कर लेना है। ड्रिलिंग करने के बाद आपको माउंटिंग एक्सेसरी की मदद से इस तरह से इसको माउंट कर देना है। प्लेट को वॉल माउंट करने के बाद डिवाइस को इस तरह से माउंट करके दो स्क्रू है वो लगा देने हैं। वॉल माउंटिंग करने के बाद फर्स्ट टाइम डिवाइस की बैटरी टोटली डिस्चार्ज रहेगी तो उसको थोड़ी देर के लिए चार्जिंग करना है। चार्जिंग करने के लिए आपको पावर एडेप्टर से उसको पावर सप्लाई देना है, देन पावर बटन प्रेस करना है। अभी हम बात करेंगे एनरोलमेंट कैसे करना है। एनरोलमेंट करने के लिए प्रेस मेन्यू, यूजर, एनरोल। यहाँ पे आपको आईडी टाइप करना है। यहाँ पे आप एम्प्लॉय के नाम भी टाइप कर सकते हो लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर में से डिवाइस में कैसे नाम ट्रांसफर करते हैं। देन प्रेस ओके। फिंगरप्रिंट एनरोल करने के लिए फिंगरप्रिंट पे ओके प्रेस करना है और सेम फिंगर 3 बार सेंसर के ऊपर रखनी है। देन प्रेस ओके। कार्ड एनरोलमेंट करने के लिए
कार्ड के ऑप्शन में ओके करना है, उसके बाद कार्ड को शो करना है, देन प्रेस ओके। पासवर्ड एनरोलमेंट करने के लिए पासवर्ड के ऑप्शन पे ओके करना है, यहाँ पे आपको 6 डिजिट का पासवर्ड एंटर करना है, देन डाउन की फिर से एक बार री एंटर करना है, देन प्रेस ओके। इस तरह से आप फिंगरप्रिंट कार्ड पासवर्ड एनरोल कर सकते हैं। अभी हम इसको वेरीफाई करेंगे, फिंगरप्रिंट, थैंक यू, देन कार्ड, थैंक यू। पासवर्ड वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले 0 प्रेस करना है, देन आईडी टाइप करना है, प्रेस ओके, उसके बाद पासवर्ड एंटर करना है, देन प्रेस ओके। अभी हम देखेंगे डिवाइस को इंटरनेट कैसे प्रोवाइड करना है। डिवाइस को इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए आपको लैन केबल राउटर से डायरेक्टली डिवाइस में कनेक्ट करना है। अभी हम बात करेंगे कि डिवाइस को टाइम ऑफिस पोर्टल के साथ कॉन्फ़िगर कैसे करना है। उसके लिए प्रेस मेनू, सेटिंग, कम्युनिकेशंस, डिवाइस आईडी 1 रखना है, TCP/IP सेटिंग्स के अंदर ओके, DHCP को यस कर देना है, एस्केप, कम्युनिकेशन पासवर्ड नो, इवेंट सेंड टाइप में TCP/IP रखना है, BGP/PC सेटिंग्स के अंदर DNS सर्वर को ऑटो रखना है, मैनेजर PC एड्रेस के अंदर etimeoffice.com होना चाहिए, मैनेजर PC पोर्ट के अंदर 6000, 5005 या तो फिर 6005 होना चाहिए। ये सेटिंग्स करने के बाद आपका डिवाइस पोर्टल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और अगर ये सेटिंग्स करने के बाद नहीं होता है तो स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।